ब्रेकिंग न्यूज, नगरीय निकाय चुनाव को लेकर वार्ड नंबर 16 में लोगों ने बीजेपी और कांग्रेस का किया बहिष्कार। वार्ड वासियों का कहना है कि दोनों पार्टियों ने ऐसे प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने के लिए हमारे वार्ड से उतारा है जिनको हम जानते तक नहीं और ना ही उनका घर देखा है। हमारे वार्ड के प्रत्याशी को ही हम वोट देंगे और उसी को पार्षद बनाएंगे जो हमारे पास हर समय रहता है। और वार्ड वासियों का यह भी कहना है कि पिछली बार जब कांग्रेस का पार्षद रहा तब हमारे वार्ड में कुछ भी काम नहीं हुआ और जब हम पार्षद के पास साफ सफाई को लेकर शिकायत करने जाते थे तो पार्षद बोलता था कि नगर पालिका जाओ और हम जब नगर पालिका जाते हैं तो हमारी कोई भी नहीं सुनता था। आज आलम यह है कि पिछले कई महीने से ना तो नाली साफ हुई और ना ही सफाई हुई। इससे यहाँ पर इतने मच्छर मक्खी पैदा हो रहे हैं कि हमारे घरों में लोग बीमार हो रहे हैं और यही नहीं बदबू भी इतनी आती है कि हमारा यहाँ रहना मुश्किल हो रहा है। इसलिए अब हम एक ऐसा पार्षद चुन के लाएंगे जो हमारे बीच रहकर हमारी समस्या को सुने। इसलिए हम निर्दलीय प्रत्याशी को जिताकर हमारे वार्ड का पार्षद बनाएंगे। निर्दलीय खड़ा हो रहे जी, इमरान अंसारी कोई उसको चुनना चाहते हम, काम ही नहीं कर रहा मोहल्ले के अंदर। अरमान हाँ ठीक ठाक थी, इतनी ज़्यादा साफ सफाई की व्यवस्था नहीं थी तो इस बार पार्षद से भी सभी नाराज है थोड़ा, और उनको पार्टी ने भी टिकट नहीं दिया। इस बार तो निर्दलीय का निकलने का पूरा चांसेस है। नंबर 16 है मंडी के पीछे, बस स्टैंड के पीछे। तो इस बार क्या कराया था कांग्रेस और बीजेपी ने, दोनों ने बाहर वालों को वो टिकट दिया है। तो बाहर वालों से ना तो उनको कभी देखा वार्ड में, ना कभी उनके घरों के मकान के पता है। तो हम चाहते हैं कोई आसपास वाले को टिकट देते तो हम भी उसको सपोर्ट करते, तो हम इस बार निर्दलीय को चुनने की कोशिश करेंगे। शाहरुख अली मोहल्ले में देखो रोड ठीक ठाक नहीं है, देखो आप खुद देख लो रोड की भी क्या व्यवस्था है, ना कोई साफ सफाई की व्यवस्था है यहाँ पे। अगर अपन पीएम आवास की बात करें तो कितने लोग इससे लाभान्वित हुए हैं? देखो पीएम जो आवास योजना थी उसमें जो पार्षद के या फिर कह सकते हैं कोई नगर पालिका के कर्मचारी को जान पहचान के थे उनको तो मिल चुका है, लेकिन जो वास्तव में हितग्राही थे मतलब जिनको मिलना चाहिए उनको मिल नहीं पाया। हाँ तो पिछली बार वार्ड आई थी तो उसमें भी कोई गवर्नमेंट कर्मचारी कोई सहयोग तो मिला नहीं, जो स्थानीय अभी जो निवासी थे उन्होंने आसपास की हेल्प करी। उनसे ज़्यादा बहुत कुछ देखनी पड़ी, कभी नाली है साफ नहीं हो रही, जाल टूटे पड़े हैं नालियों के, आदमियों को दिक्कत आती निकलने में, कभी बारिश में कीचड़ हो जाता, नाली साफ नहीं होती मोहल्ले में, जाल वगैरह नहीं डलते, लाइट नहीं जलती अंडों पे। अगर हम पीएम आवास की बात करें तो पीएम आवास में कितने हितग्राहियों को लाभ मिल गया है आप लोगों को? ये आवास में बहुत कम मिला, मतलब हमारे मोहल्ले में तो अपने अपनों को देख के दिया गया। ये 16 वार्ड है, हम निर्दलीय पार्षद को चुनना चाहते हैं। क्या फिर से पिछले पार्षदों ने ना तो नालियाँ देखी ना कुछ देखा, अपने अपने काम में मस्त रहते हैं बस। पिछले पार्षदों के कार्यकाल से आप नाराज हैं? नाराज है, पूरा मोहल्ला नाराज है पिछले पार्षद से।